राहुल सर, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी इस समय हो सकती है क्या? हाँ, अभी एक्चुअली मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए इन्वेस्टर्स को, एंड दे शुड गेट इनटू गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, और ये बहुत अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। तो मैं दो स्टॉक्स सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये काफ़ी स्ट्रांग रहा है, और ये इसका क्या है, वोलेटिलिटी भी कम है। ये मार्केट नीचे जाती है तो भी ये बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, और प्लस इसमें मूवमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, निफ्टी के कंपेयर में काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है ये स्टॉक। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि करंट मार्केट प्राइस में इसको बाई कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 135 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 115 रुपीज। 115 के स्टॉप लॉस के साथ में 135, 135 का टारगेट कह रहे हैं ना वन सर? थर्टी फाइव का टारगेट, यस। ठीक है, और टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं? टाइम फ्रेम मीडियम टर्म, 1 to 2 months, 1 से 2 महीना इसको 1 to 2 months। आराम से हाँ पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 2 months, जब तक बजट का अगला सेशन शुरू हो जाएगा, कुछ अनाउंसमेंट शायद वहां से भी आ सकते हैं जो कि इसके लिए हो सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है, सरकार का आखिरी साल है, सरकार ने हर घर में बिजली पहुंचाने का वादा किया था 2022 तक। 22 तो निकल गया, लेकिन कितनी पहुंची और जहाँ बची होगी तो वो इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं कुछ तो रिजल्ट और आंकड़े, तो उसका भी कहीं कुछ एक फैक्टर जो कि प्ले हो सकता है, उसके चलते शायद REC को एक और कुछ भी मिल सकता है। तो उसके चलते राहुल जी की एक बढ़िया रिकमेंडेशन है।